Hi, this is Rahul, and you are watching me on my YouTube channel, NCC, National Cadet Corps. And as you can see on the screen, with me, I have a friend. He is also a YouTuber and founder of Proud Group of NCC. You all must have seen him or his videos on YouTube. So we both have decided to collaborate to teach you more about NCC or to make you understand things in easy way, because together we can achieve more success rather than providing us knowledge from a single candidate. So Gandeep will start the from his video, whatever he has collected, the comments or your queries from the previous videos as well as I have. So we'll start with him. तो बेसिकली आज की वीडियो में हम करने क्या वाले हैं, हम ये करेंगे कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, हम वीडियो बनाते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो आपकी बहुत सारी क्वेरीज होती हैं जिनका जवाब हम उस टाइम पे नहीं दे पाते, कुछ का देते हैं लेकिन हर एक को तो इंडिविजुअली नहीं दे सकते। तो ऐसे कुछ कमेंट है जो बार बार पूछे गए हैं, जो बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, वो हम दोनों ने कलेक्ट किए हैं और इस वीडियो के द्वारा हम उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद भी आपके जो डाउट बचते हैं उनको भी आप कमेंट बॉक्स में साथ के साथ बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो साथ ही हम इसमें चाहेंगे कि आप सभी सपोर्ट करें ताकि हमें पता चले कि हाँ आपको ये कोलैबोरेशन अच्छा लगा और आपको वीडियोस में जो कमेंट्स हमने इंक्लूड किए हैं वो अच्छे लगे। तो ये सब हमें दिखेगा आपके व्यूज से, क्योंकि हम पर्सनली तो आपसे मिल नहीं सकते हैं या फिर पर्सनली आपके डाउट्स को क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप वीडियोज पे व्यूज ज्यादा बढ़ाएंगे, उनको शेयर करेंगे, तो उससे हमें मालूम होगा कि हाँ आपको इस चीज की जरूरत है, तो हम आगे भी साथ में कोलैबोरेट करके आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। तो इस तरीके से हम एक एक करके क्वेश्चन ले रहे हैं। सबसे पहला और बेसिक क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि एनसीसी ज्वाइन कैसे करनी है। एनसीसी ज्वाइन, बिल्कुल यही डाउट होता है बच्चों के मन में कि एनसीसी ज्वाइन कैसे करनी है, इसके फॉर्म कब निकलेंगे, कौन से कैफे से भरे जाते हैं। तो जहां तक का हमारा एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं पर्सनली बताता हूँ कि कॉलेज लेवल पे अगर हम एनसीसी ज्वाइन करने की बात करते हैं, तो जैसे हमारे कॉलेज स्टार्ट होते हैं, कॉलेज में हमारा एडमिशन हुआ, उसके बाद में क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो अलग अलग सोसाइटी जैसे होती है, एनसीसी है, एनएसएस है, कोई डांसिंग की सोसाइटी है, कोई डिबेट की सोसाइटी है, हर एक अपने जो रजिस्ट्रेशन होने वाली है उसके नोटिस नोटिस बोर्ड पे लगा देते हैं। ऐसे ही एनसीसी का नोटिस भी नोटिस बोर्ड पे लगेगा, आपको जाके अपने एनसीसी रूम में कॉन्टेक्ट करना है, वे आपको प्रोसीजर बता देंगे कि किस तरीके से एनसीसी ज्वाइन करनी है। तो ये बेसिक सा प्रोसीजर होता है एनसीसी ज्वाइन करने का, अगर हम कॉलेज में बात करते हैं। तो भाई राहुल, कुछ आप बताएंगे इस बारे में? या साथ ही इसमें हम स्कूल का भी इंक्लूड कर लेते हैं, जैसे कि आपने बहुत अच्छी तरीके से बताई, कॉलेज का जो प्रोसीजर है ये सब नोटिस बोर्ड के जरिए आपको मालूम हो जाता है। तो स्कूल में भी यही है, स्कूल में तो खास नोटिस बोर्ड का तो उतना नहीं रहता, बट आपको पर्सनली क्लास में आके बच्चे बता के जाते हैं जो सीनियर होते हैं आपके या फिर जो ऑलरेडी एनसीसी कर रहे होते हैं, तो स्कूल में भी यही होता है। इससे रिलेटेड भी आप गगनदीप के चैनल पे भी देख सकते हैं कि पहले से वीडियो है जिसमें आप कैसे एज में ज्वाइन कर सकते हैं, और मेरे चैनल पे भी मैंने अपलोड किया हुआ है कि इसकी एज कितनी है एनसीसी ज्वाइन करने की और फर्दर प्रोसीजर क्या क्या है इसमें। हाँ, बस तो एक जो गगनदीप बताइए। हाँ, एक जो कंसेप्ट बना के रखते हैं दिमाग में कि एनसीसी अलग से नहीं होती, वो स्कूल के साथ साथ होती है। अगर कोई स्कूल और कॉलेज में कर रहा है तो वो कॉलेज के साथ साथ होती है, को करिकुलर एक्टिविटी की तरह, कोई अलग से कोर्स नहीं होता कि स्पेसिफिक हमको 3 साल लगाने होते हैं या 2 साल लगाने होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन राहुल देंगे जवाब, देखते हैं इन्होंने क्या कलेक्ट किया है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे कि ज्वाइन कैसे करते हैं, तो बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होता एनसीसी है क्या। तो जैसा अभी आपने बताया, साथ साथ में पढ़ाई के साथ साथ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बात करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले एनसीसी जो है वो एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, आप अपनी इच्छा से उसमें ज्वाइन करते हैं, अगर आप चाहें तो आप ज्वाइन करें, नहीं चाहें तो आप नहीं कर सकते, और साथ ही इसको आप पढ़ाई के साथ ही करेंगे, ये एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है। जैसे कि मान लीजिए आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो कॉलेज में आप ग्रेजुएशन में बीटेक करें, बीसीए करें, उसके साथ साथ आप इसको कर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर हमारा पढ़ाई में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है, तो कैसे इसको मैनेज किया जाता है, कि जैसे इसमें बहुत सारे कैंप्स जाने होते हैं तो क्लासेस छूटती हैं। तो इसके लिए मैं बताऊंगा कि लगभग सभी कॉलेज आपको अटेंडेंस तो देते ही हैं, और कॉलेज के टीचर भी आपको इसमें सपोर्ट करते हैं अगर आप एनसीसी लें और कैंप्स करें, आरडीसी, वाईपी जैसे अच्छे अच्छे कैंप्स अगर आप इसमें नेशनल कैंप्स करते हैं, तो काफी सपोर्ट रहता है टीचर्स का भी, वो आपको दोबारा पढ़ाने को भी तैयार होते हैं, ऊपर से साथ वाले भी काफी प्राउड फील करते हैं कि हाँ मेरा दोस्त भाई एनसीसी में है,
और उसको भी वो मदद करने के लिए आते हैं, यही है इसमें। हाँ तो दूसरा एक क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द मिनिमम हाइट टू ज्वाइन द एनसीसी, कि कितनी मिनिमम हाइट होनी चाहिए एनसीसी ज्वाइन करने के लिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो काफी बच्चे चिंतित रहते हैं इसके लिए। हाँ तो मेरा एक्सपीरियंस से मैं इतना बता सकता हूँ कि इसमें कोई मिनिमम हाइट जैसा कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है। वो ऐसे है, अगर आप किसी ऐसे डायरेक्टरेट में है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़, ये चारों एक ही डायरेक्टरेट के अंदर आते हैं, इनके अंदर कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है, तो फिर अलग अलग क्राइटेरिया सेट करने पड़ते हैं। तो कोई कॉलेज जहाँ पे बहुत कम सीट है और बहुत ज्यादा बच्चे आते हैं ऑप्ट करने के लिए, तो वो कंडीशन लगा देते हैं कि इतनी रनिंग करनी पड़ेगी, इतनी हाइट होनी चाहिए, अगर किसी ने स्कूल में किया तो उसको प्रिफरेंस देंगे, अगर किसी ने कोई मेरिटोरियस अगर स्पोर्ट्स के अंदर मेरिटोरियस है तो उसको प्रिफरेंस देंगे, वैसे कंडीशन लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि इतनी मिनिमम हाइट होनी चाहिए, क्योंकि बहुत कम हाइट वाले मैंने आरडीसी में भी देखे हैं, तो एनसीसी तो एनरोलमेंट है। तो ऐसा कोई भी ये डाउट दिमाग में ना रखें कि वो जो 6 फुट का है वही सिलेक्ट होगा एनसीसी के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। देर इज नो मिनिमम हाइट क्राइटेरिया इन दी एनसीसी सिलेक्शन। बिल्कुल गगन जी, बहुत सही तरीके से आपने इसको बताया। तो अगला क्वेश्चन हम इसमें इंक्लूड करेंगे कि एनसीसी ज्वाइन करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, डॉक्यूमेंट्स की जो है, ये भी एक बेसिक सवाल रहता है बच्चों का। तो डॉक्यूमेंट्स इसमें ऐसा कुछ भी आपका इतना कोई जरूरी डॉक्यूमेंट नहीं होता है। जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं तो वहां पर नॉर्मल अपना एक आईडी प्रूफ और एक 10th का रिजल्ट, और यदि आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो उसका जो फीस स्लिप होती है वो आपको दिखानी होती है बस। इसके अलावा या तो आपसे एक फोटो मांगी जाएगी एक्स्ट्रा, वरना ऐसा कुछ भी अलग सा डॉक्यूमेंट्स आपसे नहीं मांगे जाते हैं। तो इसमें कोई ज्यादा परेशानी की दिक्कत नहीं है, ये है इसमें। क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, एक सिलेक्शन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है कि एनसीसी के अंदर फीस कितनी लगती है। तो फीस तो कोई अलग से फीस तो लगती नहीं है एनसीसी के लिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है, बल्कि मिलती हो रहे हैं चीजें, सारी चीजें मिल रही हैं। कोई आरडी कैंप करता है, कोई बड़ा कैंप करता है, तो उसको इतनी चीजें मिल जाती हैं और बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन करने को मिलता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अलग से फीस लगती है, कोई रजिस्ट्रेशन फीस हो सकती है, कोई फॉर्म वगैरह की कोई ले रहा है 10-15-20 रुपए, इतना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, लेकिन ऐसा कोई अलग से 3,000-4,000-5,000 रुपए फीस, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एनसीसी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है, और उधर से ही है जो भी बजट होता है वो ज्यादातर उधर से ही अलॉट होता है, या फिर आपकी स्टेट गवर्नमेंट देगी। हाँ तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं एनरोलमेंट और एनसीसी कैसे ज्वाइन करनी है ये सब, तो इसमें साथ ही हम बात ये भी बता देते हैं बच्चों को कि एनसीसी बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए ही होती है। साथ साथ में लड़के भी लड़कियों की भी अपनी अपनी यूनिट्स होती है, एनसीसी की यूनिट्स होते हैं जिनमें आप ज्वाइन करते हैं, तो उसमें साथ में भी ट्रेनिंग होती है और अलग अलग भी ट्रेनिंग होती है। और साथ ही साथ बॉयज के भी अलग से थोड़े से कैंप होते हैं, कुछ गर्ल्स के भी होते हैं जिनमें बॉयज अलाउड नहीं होते, किसी में गर्ल्स अलाउड नहीं होती। तो ये फर्दर जानकारी आप एनसीसी ज्वाइन करेंगे तो उसके बाद भी आपको अंदर ही अंदर बताई जाती है अपने एनओस या फिर पीआई स्टाफ के द्वारा, नहीं तो आप रिस्पेक्टिव चैनल्स विजिट करेंगे, आपको जितने भी चैनल है, ये चैनल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम के लिंक मिल जाएंगे, वहां पे आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन कौन से कैंप इकट्ठे होते हैं, कौन से अलग होते हैं, कौन से गर्ल्स के लिए स्पेशल है, कौन से बॉयज के लिए स्पेशल है। और जैसा कि भाई ने बताया कि गर्ल्स और बॉयज के लिए एनसीसी दोनों के लिए होती है, इसी तरीके से जैसे स्कूल लेवल पे जो बॉयज होते हैं उनको हम जेडी कह देते हैं जूनियर डिवीजन में, जो कॉलेज लेवल पे होते हैं उनको हम एसडी कह देते हैं सीनियर डिवीजन में। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी है कि कुछ स्कूल के अंदर एसडी होती है, लेकिन ज्यादातर कॉलेज में ही एसडी होती है और स्कूल में जेडी होता है। इसी तरीके से गर्ल्स को हम जेडब्ल्यू कह देते हैं स्कूल लेवल पे, और कॉलेज लेवल पे एसडब्ल्यू कह देते हैं। तो ये, और एक बात और, जैसे गर्ल्स और बॉयज के लिए होती है, ऐसे एनसीसी होती भी 3 तरीके की, आर्मी के लिए भी होती है, नेवी के लिए भी होती है और एयरफोर्स के लिए भी होती है। तो ये बात भी आपको क्लियर करके चलनी है। काफी बच्चों का इसमें ये भी सवाल होता है कि सर हम आर्मी कैसे ज्वाइन करेंगे या फिर एयरफोर्स की एनसीसी या फिर नेवी की कैसे करेंगे। तो मैं इसमें बताना चाहूंगा, इसमें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन होती है हमारे पास कि जिस भी कॉलेज में हम पढ़ रहे हैं वहां जो भी एनसीसी होगी वही हमें ज्वाइन करने को मिलेगी। मेन चीज ये रहता है, अगर वहां पर तीनों है आर्मी नेवी एयरफोर्स, तो आप उन तीनों में से अपनी चॉइस के हिसाब से या फिर उनके सिलेक्शन क्राइटेरिया को पास करने के हिसाब से उन तीनों में से किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वरना जैसे बहुत सारी जगहों पे खाली आर्मी सबसे ज्यादा यूनिट्स है हमारे एनसीसी में, तो लगभग ज्यादातर जगह पे आर्मी ही आपको ज्वाइन करने को मिलती है। बिल्कुल कुछ ऐसे ही है। एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं
ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है क्योंकि अवेयरनेस कम है, एनसीसी के बारे में पता होता नहीं है, बाद में यूट्यूब बिल्कुल वीडियो देखते हैं तो पता लगता है कि डिफेंस में इतने मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, एसएसबी डायरेक्ट आती है, तो फिर दिल करता है कि हमको तो एनसीसी करनी थी। अब वो पहुंच चुके हैं सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, या कईयों की तो ग्रेजुएशन हो भी चुकी है, और हाँ फिर पूरा हो क्वेश्चन, जाए। ग्रेजुएशन के बाद एनसीसी कर सकते हैं क्या, हम सेकेंड ईयर में एनसीसी कर सकते हैं या थर्ड ईयर में एनसीसी कर सकते हैं, तो इस पे क्या लग रहा है राहुल, क्या जवाब होना चाहिए? बिल्कुल आप बता दीजिए इसका जवाब, तो एक बार आपने क्वेश्चन रेज किया है, फिर देखते हैं डिस्कस करते हैं इसमें और पूरा आइडिया देंगे इनको जगह जगह के हिसाब से। बात ऐसे है, कुछ साल पहले तक एनसीसी होती थी सीनियर डिवीजन की, अगर हम बात करें तो 2 साल की होती थी, बिल्कुल अब बिल्कुल एनसीसी 3 साल की हो गई है। पहले अगर हम नॉर्मल ग्रेजुएशन की बात करते हैं, एक बार के लिए बीटेक को कंसीडर नहीं कर रहे हम, अगर नॉर्मल ग्रेजुएशन की बात करें तो ग्रेजुएशन 3 साल की होती है। पहले फर्स्ट ईयर में भी एनसीसी ज्वाइन करते कर सकते थे, सेकेंड ईयर में भी कर सकते थे, क्योंकि 2 साल में कंप्लीट हो जानी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है। बिल्कुल लेकिन जब से 3 साल की हुई है तो सेकंड ईयर में ज्वाइन नहीं करवा रहे। क्यों नहीं करवा रहे? क्योंकि ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी, उसकी एनसीसी कंप्लीट होगी नहीं, बाद में वो करेगा नहीं करेगा, छोड़ेगा, किसी की सीट खराब करेगा, इसलिए उसको एनरोल नहीं करते, ठीक है, जो भी पर्सन है, बॉय है या गर्ल है, तो फर्स्ट ईयर में ही एनसीसी ज्वाइन करने को प्रेफर करते हैं। और बीटेक का केस इतना मुझे पता नहीं है, लेकिन जहां तक है वहां पे भी सेकंड ईयर में प्रेफर मेरे ख्याल से कर देंगे, क्योंकि 3 साल उनके बचे होते हैं और उनकी 3 साल में एनसीसी कंप्लीट हो जाएगी। और दूसरी बात है कि कॉलेज के बाद एनसीसी करना तो लगभग नामुमकिन सा है, लगभग नामुमकिन सा है। हालांकि ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ कि आप कॉलेज के बाद एनसीसी नहीं कर सकते, ऐसी कोई लाइन नहीं लिखी हुई स्पेसिफिक, लेकिन आप कर नहीं पाओगे। आप करोगे कैसे? कॉलेज आपका कंप्लीट हो गया, अगर आप एमए एमएससी एमबीए कुछ भी करते हैं, 2 साल की होगी, एनसीसी 3 साल की है, कब तक करेंगे, ठीक है, और फिर बेनिफिट कब तक लेंगे उसका, तो दी नहीं जाएगी। और फिर ऊपर से कॉम्पिटिशन इतना है, हर कोई एनसीसी करना चाहता है, तो फर्स्ट ईयर वालों को प्रेफर करेंगे, जो करना चाह रहे हैं उनको प्रेफर करेंगे, जिसकी ग्रेजुएशन भी हो चुकी है, वो कॉलेज में नहीं है, उसको क्यों देंगे एनसीसी? तो ये वाला केस होता है, इसीलिए प्रीफरेंस फर्स्ट ईयर को, या ज्यादा से ज्यादा सेकेंड ईयर तक एनसीसी कर सकता है, बाद में बहुत ही मुश्किल हो जाता है एनसीसी करना। तो ये जवाब है उनके लिए जो पूछते हैं कि सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या कॉलेज के बाद हम एनसीसी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल बहुत सही तरीके से आपने इसको बताया गगनदीप। थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जैसे एक एज होती है जो ऑफिशियली हम लोगों को दी गई है एज, वो एज हाँ वैसे तो 24 है, आपकी लास्ट एज ज्वाइन करने की 24 है, क्योंकि मैक्सिमम आप 26 तक एनसीसी कर सकते हैं, लेकिन आप उसका कोई भी एडवांटेज नहीं ले पाएंगे, क्योंकि बिल्कुल मोस्टली आपके एसएसबी, जो भी हमें एसएसबी डायरेक्ट एसएसबी मिलती है, वो भी 25 की एज तक होती है, तो उससे बिल्कुल पहले ही आपको एनसीसी कंप्लीट करनी होती है। और जैसा कि गगनदीप ने बताया कि सेकेंड ईयर में मुश्किल है, तो बहुत सारे कॉलेजेस ये होते हैं कि आपको एक बार के लिए एनसीसी दे देते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि हर कॉलेज में आपको ऐसे एनसीसी मिले। जैसा गगनदीप ने बताया कि प्रेफरेंस उनको दी जाती है जो फर्स्ट ईयर में पहले ले रहे हैं, तो बिल्कुल आई होप कि इससे आपको काफी अच्छे समझ में आ गया होगा कि एनसीसी कौन से ईयर में कर सकते हैं और कौन से में नहीं। तो यही कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने कलेक्ट किए थे। अभी भी अगर राहुल के पास कोई क्वेश्चन है तो, राहुल तो बस इतना, अभी आज के लिए इतना ही काफी रखते हैं गगन जी। अब यही है कि अभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन है, अभी भी कोई ऐसा डाउट है जो आपका बाकी है, आप सजेशन दे सकते हैं कि किस अकेले टॉपिक के ऊपर आगे हमको डिस्कशन करना चाहिए। जैसे कोई बंदा पैसिनेट है, उसको आरडी करनी है, तो हम दोनों ने आरडीसी की है, हम आरडीसी के बिल्कुल बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने अपने एक्सपीरियंस, अगर आप उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। दूसरा, बहुत सारे लोगों के डाउट होते हैं एनसीसी डायरेक्ट एंट्री के बारे में, तो हम दोनों ने एनसीसी डायरेक्ट एंट्री दी है, सी सर्टिफिकेट बिल्कुल वाली, उसके बारे में भी हम अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। तो आपके जो भी डाउट है इससे रिलेटेड, जो भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया वहां पे भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ताकि नेक्स्ट जब भी ये हो हमारी वीडियो, तो हम वे वाले डाउट आपके ले सके और उनको क्लियर कर सके। आई होप बिल्कुल ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको ये चीजें पसंद आई होंगी। बिल्कुल, जैसा गगनदीप ने कहा, तो आपका आपको पसंद आई नहीं आई ये आपके लाइक्स और व्यूज से हमें खुद ही मालूम हो जाएगा। और इस वीडियो को आप दोनों ही चैनल में देख सकते हैं, गगनदीप के प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी में भी, और मैं भी अपने चैनल में इसको अपलोड करूंगा, जिसका नाम है एनसीसी नेशनल कैडेट कोर। तो हम दोनों ही आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे आपसे इसी उम्मीद के साथ कि कुछ अच्छा आपको सिखाएं और कुछ नया आपको सिखाएं। तब तक के हाँ, लिए जय हिंद, एंड करने जय से भारत। पहले एक बात और कह नहीं है कि वीडियो ठीक है, हेल्प हो रही है, ठीक है, सारी चीजें ठीक है, बाकी ये फर्स्ट कोलैब है, और मिलके बहुत ही अच्छा लगा, और बहुत ही अच्छा लगा ये वीडियो करके, एक इंटरेस्टिंग सा सेशन रहा। थैंक यू वेरी मच गाइस। थैंक यू सर।